उत्तर प्रदेश एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई ने दो व्यक्तियों की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करते हुए हत्या करने आए चार अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में चिलुयाताल थाना क्षेत्र के अवनीश कुमार त्रिपाठी उर्फ लुटूर त्रिपाठी पुत्र रमाशंकर त्रिपाठी, राघवेंद्र शुक्ला उर्फ लाला शुक्ला पुत्र प्रहलाद शुक्ला, मनोज निषाद पुत्र उमापति निषाद, विमलेश राजभर पुत्र शिव पूजन राजभर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 32 बोर का दो पिस्टल, 32 बोर का दो जिंदा कारतूस, 32 बोर का खोखा कारतूस, 315 बोर का दो तमंचा, 315 बोर का एक खोखा कारतूस, 315 बोर का जिंदा कारतूस, 400 टैबलेट नशीली गोलियां, 4 मोबाइल तथा 11,200 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा अपराध और अपराधियों के रोकथाम के लिए गठित टीमों को अभिसूचना संकलन एवं इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए धर्मेंद्र कुमार शाही पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दौरान ज्ञात हुआ लुटूर तिवारी जो मनमढ़ किस्म का व्यक्ति है अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शत्रुघ्न सिंह उर्फ फौजी एवं उनके मित्र मनोज सिंह की हत्या की योजना बना रहा है, जिसके लिए असलहा एकत्र कर लिया है जो इस समय शेरपुर चमराहा फोरलेन अंडरपास के पास मौजूद है, जिसकी सूचना पर एसटीएफ निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक सूरजनाथ सिंह, यशवंत सिंह, उमेश सिंह, आशुतोष तिवारी, आर्ची महेंद्र सिंह, अरविंद्र पांडे, विनय सिंह, गुंजन सिंह की टीम ने अंडरपास पर पहुंचकर चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अभियुक्तों ने एसटीएफ की टीम पर जान से मारने की नियत से फायर भी किया। इस पर एसटीएफ ने अपना बचाव करते हुए चारों अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर पहले से ही गुलहरिया, कैंपियरगंज, चिलुयाताल, शाहपुर थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज है।